आज का हमारा टॉपिक है सेकंड मोमेंट अबाउट रीजन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. मोमेंट अबाउट रीजन हम कहते हैं जब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेते हैं एक्स की पावर आर पर, जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू की पावर आर डैश से, तो हमारे पास मोमेंट अबाउट रीजन आ जाती है. सेकंड मोमेंट से हमारी मुराद ये है कि हम यहाँ पर आर की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू 2 डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 2. और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसकी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो किस फॉर्म की हो, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, तो हम कहते हैं कि वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है. तो आज हम देखेंगे कि म्यू टू डैश यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आती है. उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर को, ताकि हम इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकें, हम जो है इसको स्प्लिट कर देंगे. किस तरीके से कि हम लोग इसमें माइनस करेंगे एक्स को और प्लस कर लेंगे एक्स को, और इन दोनों में से हम लोग एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस वन आ जाएगा और प्लस एक्स आएगा. सबसे पहले हम इस वैल्यू को इस एक्स इधर पुट कर लिख लेंगे, तो हम इसको लिखते हैं, हमने वैल्यू को पुट कर दिया है एक्स स्क्वायर में जो हमारे पास आ रही थी, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्सपेक्टेशन इनटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स बन गया. अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो रूल होता है कि अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हों, अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स अगर हम इसे कंसिडर करें दो डिफरेंट, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन को अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं. यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन हमारे पास प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा. जबकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं म्यू वन डैश ही बनता है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी और हमारे पास क्या आई थी, म्यू आई थी. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास म्यू टू डैश के लिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन की. तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन को इसी की डेफिनेशन के मुताबिक ओपन कर लेंगे. तो इसको हम लोग लिखते हैं, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको लिख लिया है, जो हमारे पास क्या बन रहा था, क्योंकि हमें म्यू टू डैश के लिए इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इसको लिखा है एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन के मुताबिक. यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स पॉइसन को फॉलो करता है जो किसके बराबर है, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल. तो हम क्या करेंगे, हम इस एफ ऑफ एक्स में इसकी वैल्यू पुट कर लिख लेंगे. तो हम इसको लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू लिख ली है. हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम समेशन से बाहर निकाल कर लिख लेंगे. तो इसको हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को आप देख सकते हैं बाहर निकाल कर लिख लिया है. अब फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग इस x फैक्टोरियल को ओपन करेंगे हमारी x इंटू एक्स माइनस वन के लिए, कि हम इसको कैंसिल कर सकें. यानी हम x फैक्टोरियल को x माइनस टू होल फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कि अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल हो तो इसको हम लोग 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, और इसको हम कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं. तो उसी के मुताबिक हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, हम इस x को ओपन करके. तो इसको हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर x फैक्टोरियल को ओपन कर लिख लिया है. हमारे पास ये वाली टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और हम फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो म्यू की पावर x है इसको हम लोग x माइनस टू बनाएंगे ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें. तो उसके लिए हम म्यू स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और इस म्यू टू को क्योंकि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो हम बाहर निकाल लेंगे, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो इसको हम ऊपर ले जाकर लिख लेंगे. तो इसको हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया है, आप देख सकते हैं म्यू टू जिसे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग बाहर ले गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने ऊपर ले लिया है. हमारे पास अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, उसी रूल को यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे. तो हम इसको लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया है. यहाँ पर हम एक बात नोट करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स थी उसके लिए हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, जो कि क्या थी, x इंटू एक्स माइनस वन थी. और यहाँ पर भी अगर हम नोट करें तो हमारे पास समेशन में हमेशा वैल्यू जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यानी हमारे पास अब लिमिट क्या हो जाएगी, हमारे पास जो ग्रेटर है वो इन्फिनिटी ही रहेगी, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा.
तो हमारे पास अब इसको मजीद फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर पावर में जो चीज़ हो और हमारे पास नीचे भी उस पर ही डिवाइड हो रहा हो विथ फैक्टोरियल, तो हम उसको ई की पावर में लिख सकते हैं। लेकिन समेशन में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू, कि जब मेरे पास एक्स की वैल्यू टू होगी तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा और इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर भी एक्स माइनस टू है, मैं वहाँ पर क्या करूँगी, वाई वेरिएबल को पुट कर दूंगी। तो मैं इसको पुट कर कर लिख लेती हूँ, हमने यहाँ पर उसको लिख लिया है। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हमारे पास x माइनस टू था वहाँ हमने y पुट किया है, यहाँ पर लिमिट y इज इक्वल टू जीरो से अब हम स्टार्ट करें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास e की पावर म्यू बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू की पावर टू e की पावर माइनस म्यू इंटू e की पावर म्यू। तो या और हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे कि हमारे पास अगर बेसिस सेम हो तो पावर एड हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा म्यू स्क्वेयर e की पावर माइनस म्यू प्लस म्यू। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, ज़ीरो आ जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू टू। यानी हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, म्यू स्केयर। इसको हम लोग हमारे जो म्यू टू डैश है उसमें पुट कर कर लिख लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो म्यू स्क्वेयर थी, तो हमने उसको पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू टू डैश इज इक्वल टू म्यू स्क्वेयर प्लस म्यू। तो यानी हमारे पास जो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमारे पास ये आ गई है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, आज का हमारा टॉपिक था सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने देखा उसको सॉल्व कर कर के वो किसके बराबर होती है।